हैदराबाद में डॉक्टर रेड्डी रेप और कत्ल केस को लेकर आज हैदराबाद पुलिस के द्वारा चारों दोषियों का एनकाउंटर किए जाने की जैसे ही खबर आई, वैसे ही पूरे देश हैदराबाद पुलिस के इस कदम को सराहता दिखाई दे रहा है। खासकर महिलाएं पुलिस के इस कदम से खुश दिखाई दे रही हैं। वहीं गुरदासपुर की महिलाओं का कहना है कि पुलिस के इस कदम को हम सैल्यूट करते हैं और ऐसा कानून बना देना चाहिए कि बलात्कार के दोषी को बीच चौराहे में लोगों के सामने शरेआम गोली मार देनी चाहिए। वहीं उनका कहना था कि सरकारों को महिलाओं की सुरक्षा को लेकर और महिलाओं के साथ हो रहे शारीरिक शोषण को लेकर सख्त कानून बनाने चाहिए, ताकि कोई मर्द महिलाओं का शोषण करने से पहले हजार बार सोचे और मौत की सजा के खौफ से इस गलत अपराध की तरफ कदम उठाए ही ना। मैं तो पहले कह चुकी हूँ कि जिहड़ी पुलिस है हैदराबाद की, उन्होंने दिलों सल्यूट है कि उन्होंने आज जल्दी कार्रवाई करके उन्होंने एनकाउंटर किया, बट एनकाउंटर का नाम नहीं दिता जाए, क्योंकि इन्नी वड्डा काम करके एक छोटा जा एनकाउंटर नाम देना बहुत ही घटिया गल हैगी है। मेरे हिसाब से ना जो उन्होंने किया वै यू ला च लिया जाए, इन संविधान च लिया, साढ़े हिंदुस्तान के संविधान च लिया जाए, जिदा बाहर मुल्कों के ये संविधान के हैगा, इधर साढ़े हिंदुस्तान संविधान च लिया जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी अगर मेरी बेनती है कि जल्द तो जल्द यह जो एनकाउंटर है एनकाउंटर नहीं संविधान के लिया जाए, ताकि कभी भी किसी तरह कोई इधर ही वारदात कर लगे या और गंदा दिमाग और कीड़ा चलता है किसी लड़के के अंदर, तो वह सौ बार सोचे कि मेरा हाल की होना मैं। और आज पंजाब पुलिस में भी मेरे अगर एक बेनती है कि प्लीज़ कोई भी अगर लड़की या कोई उन्होंने घर का कोई आंदा कंप्लेन करने वास्ते, तो इदा की ही कार्रवाई की जाए, जिन तक अगर ये चीज़ में लास्ट नहीं ना लिया जाता उन्होंने तक खुद ही क्वेंटर कर दे, या लड़की खुद या कोई भी अगर चार चार पाँच लड़कियाँ है उन्होंने या तो लेडीज को परमिशन दी जाए, उन्होंने लाइसेंस बनाया जाए जल्दी उन्होंने रसले का, ताकि वह खुद ही मार दे, तो निरोपति ना रेप की। हैदराबाद पुलिस वाले सल्यूट कर दी, थैंक यू कर दी, तो नाल ही वकीलों का, नाल ही प्रेस वाले का, क्योंकि प्रेस वाले का भी बहुत बहुत धन्यवाद आ, क्योंकि वो घर घर एक खबर च पहुँचाते हैं तो सानू पता लगता वा, जो घर घर खबर जाएगी घर घर पता लगेगा न्यूज़ का तो फिर ही पता लगता वा ना, इन्हें इस करके सारे बहुत बहुत धन्यवाद। हैदराबाद की पुलिस को मैं सलाम करती हूँ, सलूट करती हूँ कि बहुत ही वधिया उन्होंने काम किया है, कि बहुत जल्दी अंजाम उन्होंने मिल गया अपराधियों जिन्होंने ये रेप किया है, जाके कहने का मतलब कि मोदी साहब ने मैं सलूट करती हूँ, ये कानून सख्त तो सख्त बनाया जाए कि जेड़ा भी कोई यहोजा रेप करे या गंदी सोच सोचे उन्होंने मतलब कि सौ बारी सोच के तो फिर ये कदम उठाए, उन्होंने पता कि यदा एंड की होएगा। अपने प्रशासन को, अपने पंजाब के प्रशासन को यह कहना चाहते हैं कि जिस तरह हैदराबाद पुलिस ने डिसीजन लिया वो ही इतने होना चाहिए वा, इस करके जो साड़ी लेडीज कॉलेज स्कूल जाती हैं उन्होंने ये होए कि मैं ही मतलब कि सेफ हैगी हाँ, पर नहीं, पर मैं ये पूछनी है इतों का प्रशासन क्यों नहीं ये डिसीजन लेंदा कि जो बाहर हो रहा वो इतने भी हो सकता, साढ़े धियां भैन सेफ नहीं है, इन्हों सेफ करने वास्ते साड़ी पंजाब पुलिस कदम चुकनगे तो तद ही सेफ होनगिया। मैं हैदराबाद पुलिस को सलूट कर दी कि बहुत वधिया काम किया वा, बाकी प्रधानमंत्री जी को रिक्वेस्ट करती हाँ कि मतलब ये जड़ा वा कानून लागू किया जाए तो साढ़े पंजाब भी लागू होना चाहिए, क्योंकि पंजाब की बहुत माड़ी हालत आ, धियां भैन जड़िया वा घरों निकल लगियां सौ बार सोच दियां वा। बाकी मैं पंजाब सरकार को भी यही रिक्वेस्ट करती हाँ कि जिहड़े तुसीं कहिंदे ना कि दिवाली जां दशहरे नूं स्मार्टफोन देने आ, उन्हां दी थां जिहड़ा ना पिस्तौल दे दो लेडीज नूं, क्योंकि अपनी सेफ्टी वास्ते जिहड़ा वा ओह जदों मर्जी यूज कर सकदे। मैं हैदराबाद पुलिस दा ते वकीलां दा तहे दिलों धन्नवाद करदी हाँ, ते उन्हां दा बहुत तहे दिलों धन्नवाद करदी हाँ, ते देश दी सुरक्षा वास्ते उन्होंने बहुत वधिया कदम चुकिया, तो मैं मोदी साहब का धन्यवाद करांगी, तो उन्होंने बेनती भी करांगी कि इस चीज़ को संविधान में भी लिया जाए, तो इस कानून पैदा किया जाए ताकि साड़ी आने वाली नारी तो हर घर में लड़की सुरक्षित रह सके। वीर जी यो कहना चाहूँगी जो पहलों कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद हैदराबाद पुलिस का जिन्होंने ये कदम चुकया, मैं यही हाथ जोड़ के बेनती कर दी कि सारे जिन्हें भी साढ़े वीर भरा पुलिस चने ज सब तो वध धन्नवाद मैं प्रेस वाले वीर का करती हूँ जिन्होंने सानू इस लायक समझ के घर घर खबर पहुँचाई है, बहुत बहुत इन्हों का भी धन्यवाद जोड़ा उन्होंने कदम चुकया हैदराबाद पुलिस में, तो वाकई सब न सल्यूट करना चाहिए, क्योंकि अज तो साड़िया लड़कियों को पता लग गया थोड़ा बहुत असं सुरक्षित हो गई, पर पुलिस वाले जोड़े वीर ने जिस तरह प्रेस वाले वीर साड़ी मदद करते हैं इस तरह पुलिस वाले भी कर, बहुत ज़्यादा लड़कियां सुरक्षित हो सकदियां ने, जड़े लड़के ने उन्होंने जदों भी कोई लड़की गलत बोलता उन्होंने उस टाइम सज़ा दी जाए, जो कि कल
वो जाके दूसरों भी कहे भी ये गलत काम ना करे ये तो सख्त बड़ी सजा जे तो लड़के थोड़ा बहुत सुरक्षित रहेंगे। बाकी मैं बेनती कर दी अपने वीरां भी नशे तो मुक्त हो के अपन लड़किया के भैनों की खुद रख्या करो और हैदराबाद की जो पुलिस है उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद। गुरदासपुर से जसविंदर बेदी के साथ ममता कुमारी की रिपोर्ट।